तो इंडिया और पाकिस्तान इनकी दुश्मनी को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये तो जन्म जन्म तक दुश्मनी रहने वाले हैं, कभी इनकी दोस्ती बनी नहीं सकती। लेकिन हमने इतिहास में ऐसा देखा है कि भाई जो दुश्मन देश होते हैं वो अक्सर कभी भी कभी दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि हमने ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में देखा, दोनों देश दुश्मन थे लेकिन बाद में ये दोनों देश ना सिर्फ दोस्त बने बल्कि दोनों देश मिलकर एक देश बन गए जो आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी तरह से दो देश जो पहले दुश्मन होते थे वो आज ऐसे दोस्त बन रहे हैं कि उनकी दोस्ती कस्में खाई जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ रशिया और ईरान की, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन होते थे लेकिन अब ऐसे दोस्त बन रहे हैं कि भाई रशिया ईरान को फाइटर जेट दे रहा है तो वहीं ईरान रशिया को कामिकाजे ड्रोन दे रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कहां तक चली गई है इनकी दोस्ती, किस हद तक। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ईरान और रूस जो पहले एक दूसरे की दुश्मन की तरह देखते थे वो अब इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं कि अच्छे अच्छे दोस्त भी अपनी दोस्ती पर शर्मा जाए। क्योंकि मामला ही ऐसा है, जहाँ पर पहले ईरान और रूस दोनों देश एनर्जी के बड़े सप्लायर थे और कौन कितना किसे और कैसे अपने ऑयल और गैस को बेचेगा इस तरह से दोनों कम्पीट करते थे और दोनों एक दूसरे को काफ़ी नीचा भी दिखाते थे। लेकिन समय के साथ साथ हालात बदल गए। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली योर इंटरेस्ट इज़ परमानेंट। तो यहाँ पर भी इन दोनों देशों के हालात बदल गए हैं। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पश्चिमी देशों ने तमाम सैंक्शंस ईरान पर लगा रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाकर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिससे ये दोनों देश पश्चिमी देशों की नज़रें में एक ही कैटेगरी में आ गए हैं, यानी कि विलन की कैटेगरी में। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन वॉर से पहले ईरान और रूस में पहले से दोस्ती तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जब रूस को हथियारों की ज़रूरत पड़ी तो तब रूस की मदद करने के लिए कोई देश सामने ही नहीं आया। यहाँ तक कि चीन ने भी मदद करने से इनकार कर दिया कि भाई अगर मैं यहाँ पर मदद करूँगा तो मेरे ऊपर ना सैंक्शन लग जाए। ऐसे नाजुक समय में जब पश्चिमी देशों के सैंक्शंस के डर की वजह से कोई भी देश रूस की मदद नहीं कर रहा था तो तब सामने आया ईरान और बोला, मेरे हो तो मेरा भाई परेशान कैसे हो सकता है, रुको मैं तुम्हें ड्रोन्स और मिसाइल देता हूँ। और ईरान की इस तरह से मदद करने के साथ ही दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक ऐसा दौर शुरू हो गया कि इससे पश्चिमी देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और अब इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए रूस यहाँ पर अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट ईरान को देने को तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि यूरोएशिया का आर्टिकल है ये, ईरान कन्फर्म एक्वायरिंग 24 सुखोई SU-35 फाइटर फ्रॉम रशिया जेट टू अराइव ड्यूरिंग ईरानियन ईयर इन मार्च। यानी कि यहाँ पर ईरान ने कन्फर्म कर दिया है खुद से कि भाई 24 सुखोई SU-35 हम खरीद रहे हैं रशिया से और ये मार्च में आ जाएंगे। और इसी तरह से टर्की का ही TRT वर्ल्ड, रशिया टू डिलीवर SU-35 फाइटर जेट टू ईरान इन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर रशिया SU-35 को ईरान को डिलीवर कर देगा। और इस बात की कंफर्मेशन खुद ईरान की पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर कमीशन के मेंबर शहरयार हैदरी ने दी है कि भाई हमने रूस का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट SU-35 ऑर्डर कर रखा और ये ईरान के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। ईरान का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 21 मार्च से शुरू होता है और 20 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है। तो मार्च एंड में ईरान को ये ख़तरनाक फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ईरान को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं मिलेंगे बल्कि यहाँ पर डिफेंस की कई सारी चीज़ें ईरान को मिलने वाली हैं क्योंकि बहुत बड़ा मिलिट्री ऑर्डर कर रखा है ईरान ने रशिया को, जैसे कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, और इससे ईरान को रूस का 4th जनरेशन वाला हाई मैनूवरेबल फाइटर जेट मिलेगा और जो SU-35 होगा और ये ईरान के खूबसूरत और फेमस शहर इस्फहान के एयरबेस में रहेगा। ऐसे देखा जाए तो भारत को जब राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से मिले थे तो तब वो अम्बाला एयरबेस आए थे और इसी तरह से जो SU-35 होंगे वो ईरान के इस्फहान एयरबेस में जाएंगे। और ये है वो SU-35 जो मिसाइल छोड़ रहा है, कई सारी मिसाइल लगी रहती है इस पर। और ये है रूस का बनाया गया काफ़ी ज़्यादा एडवांस SU-35 फाइटर जेट है और दुनिया में इसकी टक्कर का फाइटर जेट अमेरिका के पास ही है जो है F-35। ये फाइटर प्लेन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और अपने साथ कई सारी मिसाइलों को ले जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये फाइटर जेट न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है जो शायद ईरान को आगने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, तो उनको डिलीवर करने के लिए फाइटर जेट तो चाहिए ना, तो ये फाइटर जेट उसके काम भी आ सकता है। और ये प्लेन इस तरह से डिजाइन की गए हैं कि भाई ये रडार में आसानी से आता नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं होता है और इसकी जो स्पीड है वो भी सुपरसोनिक होती है, यानी कि ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा एडवांस है। वैसे देखा जाए तो ईरान की जो ड्रोन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है लेकिन ईरान की एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती है और उसे अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए फाइटर जेट हर हाल में चाहिए। और ये फाइटर जेट
ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने आखिरी बार 1990 के आसपास रूस से MiG-29 खरीदे थे और अब 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इन MiG-90 को खरीदे हुए हैं, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो ईरान को हर हाल में ये चाहिए ही चाहिए। तो रूस भी ईरान की इन ज़रूरतों को समझता है कि भाई आपने हमें मुश्किल समय में मदद दी है तो हम भी आपको मदद देंगे, और ये लीजिए हमारे SU-35 और इससे जो करना है करिए। और ये बात खुद पश्चिमी देशों की खुफिया सूचनाओं पर आधारित है कि भाई रूस और ईरान के बीच बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि वस्तु विनिमय एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आप हमें ये दे दो और हम आपको ये दे देंगे। वैसे ईरान को इसमें 24 SU-35 मिलने वाले हैं जो रूस ने मिस्र के लिए बनाए थे शुरू में, लेकिन यूक्रेन वॉर के कारण वो मिस्र को फाइटर जेट डिलीवरी नहीं कर पाया। तो अब ये सारे के सारे 24 SU-35 जेट ईरान को जाएंगे, और इस चीज़ से जो देश सबसे ज़्यादा परेशान होगा तो वो होंगे सऊदी अरब और इसराइल, लेकिन खासकर इसराइल सबसे ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि दोनों की दुश्मनी तो इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसराइल कहता है कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे और ईरान कहता है कि भाई हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे। इतनी ज़्यादा दुश्मनी तो इंडिया और पाकिस्तान के में भी नहीं होती है क्योंकि अक्सर पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल लेते हैं और कभी कभी आपस में बातचीत भी हो जाती है, लेकिन ये मामला ईरान और इसराइल के बीच का है जो दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म करने की फिराक में रहते हैं कि कब मैं इसको ख़त्म करूं और कब मैं इसको ख़त्म करूं। आप देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है, इन वीडियो ईरान थ्रेटन टू ट्रेस तेल अवीव डिस्ट्रॉय डिमोनाइफ इसराइल हिट्स न्यूक साइट, यानी कि यहाँ पर ईरान ने धमकी दी है कि भाई अगर तुमने कुछ हमारे ऊपर हमला कर दिया तो भाई हम जो तेल अवीव है जो इसराइल की राजधानी है उसको और डिमोना में इसराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम ख़त्म कर देंगे, रेस कर देंगे। और ये तो अभी हाल ही में दी थी 27 दिसंबर को ही। और इसी के साथ ही जो इसराइल है वो भी धमकी देता रहता है। गैंट्स जो यर लैबिट के सरकार में मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर धमकी दी थी कि भाई अगर ईरान ने कुछ किया तो हम यहाँ पर ईरान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो भी 20 दिसंबर का ही आर्टिकल था, यानी कि पहले यहाँ पर इसराइल ने धमकी दी और उसके बाद यहाँ पर ईरान ने धमकी दे दी। और इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर रूस और ईरान दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जा रहे हैं। पश्चिमी देश चाहे कितना भी एलिगेशन लगाए लेकिन ये दोनों देश फिर भी डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ना सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि ये इकोनॉमी में, ट्रेड में और एनर्जी सेक्टर में भी मिलकर काम कर रहे हैं। और भी दूसरे सेक्टर है जहाँ पर ये दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि सीरिया में दोनों मिलकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद कर रहे हैं ताकि इन दोनों देशों का दोस्त बशर अल असद सीरिया का राष्ट्रपति बना रहे हैं और अपने जो इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें। और इन सब के अलावा रूस और ईरान मिलकर यहाँ पर सैंक्शंस से बचने के लिए अपना एक अलग ही ट्रेड रूट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें भारत भी एक पार्टनर है ताकि भारत भी रूस और ईरान से सीधा ट्रेड कर सकते हैं किसी भी सैंक्शंस से बचने के लिए। यानी कि यहाँ पर कहाँ से सैंक्शन लगेंगे, अगर वे करेंगे भी तो किसी भी दूसरे देश के सामने आएंगे नहीं, इंडिया यहाँ से सीधा सीधा ईरान जाएगा और ईरान के बाद अजरबैजान और फिर रशिया, तो पश्चिमी देशों का कोई समर्थक देश रास्ते में है ही नहीं क्योंकि जो सेंट्रल एशिया के भी देश है ना वो भी रशिया और ईरान के समर्थक हैं पश्चिमी देशों के नहीं, तो ट्रांसपोर्ट में भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी INSTC से। और INSTC से भारत को जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही ज्यादा है ताकि ये जो अल्टरनेट रूट है इसका इस्तेमाल ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि रशिया के साथ साथ यहां पर जो यूरोप के जो देश हैं वहां पर भी पहुंचने के लिए किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये सब तो फिर भी दोनों देशों के बीच नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली है वो है रूस का ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को मदद देना। और अगर रूस ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि रूस की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी उसमें पूरी तरह से शिफ्ट आ गया है, क्योंकि देखा जाए तो रूस पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ था, अगेंस्ट था भाई, और नहीं चाहता था रूस के ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़े और यहाँ पर बम बनाए, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान को रूस से मदद मिल सकती है या शायद मिल भी रही हो, और इसका मतलब है कि ईरान और रूस की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और इतनी दोस्ती तो अमेरिका भी किसी भी देश के साथ नहीं रखता है, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी ये देश अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी इन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी है। और ये जो दोनों देश हैं ना वो सैंक्शन से बचने के लिए अलग ही तरीका निकाल रहे हैं अपना, और यहाँ पर निकाल रहे हैं ये दोनों देश स्टेबल कॉइन जो सोने से बैक्ड होगा, यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम होगा क्योंकि यहाँ पर इसको सोने से बैकिंग मिल रही है, सोने से मजबूती मिल रही है। तो ये भी बचने का एक तरीका है क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब जब कंट्रोल कोई नहीं कर सकता तो यहाँ पर ईरान और रशिया आपस में बेहतरीन बढ़िया करके जो ट्रेड है वो कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी फाइनल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्ती है, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @IIMRANSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है
@i_imran_siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।